हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ शिमला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ होटल टूर शेयर करूं। हम रुके हैं होटल हॉलीडे होम में। हम यहाँ पे रुके हैं अराउंड 3 डेज के लिए। मुझे पर्सनली ये होटल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी और बहुत ही अच्छा स्टाफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस करें बेल आइकन लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ होटल हॉलीडे होम के टूर में। ये है इनकी एंट्री। एंट्री मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। आप ऐसे वॉक करके जा सकते हैं। अगर आप कार से आए हैं तो आप कार से डायरेक्ट रिसेप्शन एरिया तक जा सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इस होटल का है कि ये मॉल रोड के ऑलमोस्ट 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपको कुछ पब्लिक कन्वेंस या अपनी कैब या टैक्सी नहीं लेनी पड़ेगी मॉल रोड जाने के लिए। देखिए अभी टाइम हुआ है 8:30 इन द मॉर्निंग और थोड़ी ठंड है, थोड़ी धूप आ चुकी है, तो मिक्स्ड वेदर है। व्यू आप देखिए कितना सुंदर है ऐसा। बॉल रोड आपको इस साइड मिलेगा। बहुत ही सीनिक व्यू है पूरे होटल का। इनफैक्ट जो हमारा रूम है वहाँ से मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या व्यू आता है। ऐसे हल्का सा टर्न है एंट्री में और यहाँ से आप देखिए कितना प्यारा व्यू है। यहाँ से मन ही नहीं करता जाने का, ऐसा लगता है आप यहीं पे खड़े रहो। आप पूरा शिमला यहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे है रोड उस साइड जाने के लिए। रूम टूर भी इसी वीडियो में आपके लिए आगे आ जाएगा। देखिए और ये है होटल। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। ये है होटल की पार्किंग। अभी पार्किंग आगे भी है पर यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग एरिया दिया हुआ है। और ये होटल की एंट्री। देखिए तो चलिए होटल में एंटर करते हैं। ये एंट्री एरिया। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है होटल की एंट्री। न्यू ईयर की प्रिपरेशन भी हो रही है। यह है रिसेप्शन एरिया। और यह है वेटिंग एरिया। आप चाहे तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं, सीने के एंजॉय कर सकते हैं,
न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। यहीं से एक डोर है जो आपको बाहर गार्डन में लेके जा सकता है, पर अभी के लिए बंद किया हुआ है जस्ट बिकॉज मे बी अभी मॉर्निंग है। मैं आपको यहाँ पे बाहर से लेके चलती हूँ। यहाँ पे है ऊपर रूम में जाने का एरिया और रेस्टोरेंट में जाने का एरिया। यहाँ पे है एग्जिट। यहाँ पे रूम्स है, रूम टूर मैं आपको इसी वीडियो में आके दिखाऊंगी। अब यहाँ पे एक ओपन एरिया है, यहाँ तो आप इसको टेरेस कह सकते हैं, पर आज यहाँ पे कोई वेडिंग है तो ये पूरा डेकोरेट करा हुआ है। ये है इसका टेरेस। यहाँ पे आपको बैठने के लिए बेंचेस और चेयर लगाए हुए हैं और यहाँ से आप जो देखिए पार्किंग एरिया यहीं से पीछे जाके है। अब मैं आपको लेके जाती हूँ ओपन गार्डन की तरफ। आप इसकी एंट्री अंदर से भी कर सकते हैं, पर अभी वहाँ पे डोर लॉक किया हुआ है तो मैं आपको बाहर से लेके चलती हूँ। यहाँ से आप गार्डन में एंटर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी धूप आ रही है, स्विंग लगा हुआ है।
आप चाहे तो सिर में बैठ के आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके हेलो फ्रेंड, ये है होटल हॉलिडे होम। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेड, स्टडी टेबल, टीवी, ये टी के लिए सारा सामान और हीटर। रूम काफ़ी स्पेशियस है, प्रॉपर्ली लैंप लगे हुए हैं और रूम फेसिंग में बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं, ऐसे दो आपको विंडो मिल जाएंगी। रूम की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, आप यहाँ से शिमला देख सकते हैं।